Hello, Namaste Shastri Kaal. My name is Karan and you are watching Takapuru Vlogs. Welcome to another episode of Exploring Madhya Pradesh Takapuru Vlogs. And I literally love this place. ये तो पीछे मेरे है, ये तो इधर है, ये सब आपको सारे views बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे इस vlog में. So please do watch this vlog till the end and do comment your views on this. And please subscribe करके जाना. And यार देखो बहुत मस्त है literally. Stop. You don't have to continue क्योंकि ये रास्ता जो Google Maps बता रहा है ये आगे जाके बंद है. इसके पहले एक मोड़ पड़ता है, आपको वहाँ से टर्न लेना है और वो असली रास्ता है. यहाँ पे जाके एक मोड़ आएगा बट आपको वहाँ पे नहीं मोड़ना है, सीधे चलना है और सीधे जाके आपको कुछ ऐसी रोड दिखाई देगी अब, बट आप एकदम सही जा रहे हो. ये तो दो पहिए का टिकट है ना? हाँ, तो दो पहिए का 25 रुपए. अच्छा, पैदल साइकिल 10 रुपए, दो पहिया 25 रुपए, बस 500, मिनी बस 250. And now you have to walk for around 10 to 15 minutes and then you will reach the destination. Oh boy, bandar. Arre. And we have finally reached to another waterfall in Madhya Pradesh. ये भी रीवा में ही है और सिरमौर इलाके में पड़ता है. केओटी वाटरफॉल से ये 19 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है. एकदम वाटरफॉल ऐसे प्रॉपर टूरिस्टिक जगह होती है उस टाइप का बना हुआ है. टिकट भी लगा स्टार्टिंग वो आपने देखा होगा 25 रुपए था 2 वीलर का. एंड द व्यू इज समथिंग लाइक दिस. अब प्रॉपरली तो नीचे जाके दिखाएंगे ना, मस्त. बहुत तेज पानी की आवाज़ आ रही होगी आप लोग को और मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है कि नहीं ये भी नहीं पता. और व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है लिटरली. While I was walking on the stairs, water was below me, the sky was above me and the fire was within me. The fire to explore this place, the fire to explore every place and the fire to show this place to you all in the best possible way and the fire to fulfill my dreams. Be with me in this journey and enjoy the views. No doubt this water is surely better than Keoti, Kachai and Purwa and Kausi even. Yaar kya बेहतरीन look है. और यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं आवाजें आ रही हर तरफ से, कोई पेड़ पे कूद रहा है, कोई कुछ। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं, थोड़ा और आगे आ रही। This is literally so amazing. यार बहुत ज़्यादा बढ़िया वाटरफॉल है ये। मतलब जो क्योटी सचाई पूर्वा में नीचे जाने का रास्ता नहीं है, और अगर है भी तो काफ़ी मुश्किल है भाई, वो काफ़ी रिस्क वाला काम है। बट यहाँ आप मस्त से आ सकते हो यार, मस्त ना हुआ हो, यहाँ तो कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं है। और जो वो वॉक थी ना यार, लिटरली वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। काफ़ी डर लग रहा था उस टाइम तो, बट यार बहुत बढ़िया व्यूज है। शर्ट चेंज फॉर द वाइब्स। Subscribe to my channel and share this video. Let's make it big this time. Let's hit 1000 subscriber. Let's make it a bigger family. You can also follow me on my Instagram handle. The link is in the description. and for a moment you may feel like this is an artificial waterfall, and I had the same thoughts. But on our way back, we asked the officials out there and they told us that it is a natural waterfall, only the stairs are man-made, obviously. So this waterfall is like 120 किलोमीटर फ्रॉम प्रयागराज और इलाहाबाद एंड ये केओटी फॉल्स के आगे पड़ता है। छछई और पूर्वा का रास्ते में नहीं है, मतलब जब मोड़ आता है चौराहा तो एक तरफ छछई जाता है और एक तरफ सोन वाटरफॉल आता है, तो आप इधर आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कूल जगह और बंदर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बट यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है केओटी और छछई और पूर्वा। अरे भाई 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 बहुत ज़्यादा बढ़िया। फाइनल गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस. And if you are someone who is living in Banaras, Mirzapur, Allahabad, Rewa or somewhere near, you must give this waterfall a visit. It is absolutely amazing. काफ़ी बढ़िया वाइब्स पे यहाँ के. और आपको वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स.